ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉन्ड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इसरो से ऑर्डर मिलने के बाद रॉकेट बन गया, क्या करे, खरीदे या होल्ड करे। चलिए जानते हैं कौन सा स्टॉक है, क्या इसके फंडामेंटल, क्या इसके टेक्निकल है, क्या ये लेने लायक है या नहीं। चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं, सो आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। पहले हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट होता है। तो आप इसमें नेट सेल्स देख लीजिए, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 36.14% की एक डाउनसाइड हमें देखने को मिली है। बाद में हम इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, जिसमें 223.19% की डाउनसाइड हमें देखने को मिली है पिछले क्वार्टर से। बाद में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करेंगे, जिसमें भी 9.36% की एक डाउनसाइड हमें देखने को मिली है। इन सिंपल क्वार्टरली रिजल्ट में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो पॉजिटिव हो। अब हम इस कंपनी के एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ईयर टू ईयर रिजल्ट होता है। तो आप इसमें नेट सेल्स देख लीजिए, जिसमें 8.62% की डाउनसाइड हमें देखने को मिली है। बाद में आप इसमें नेट प्रॉफिट देख लीजिए, जिसमें 91.71% की एक अपसाइड हमें देखने को मिले। लेकिन आप देखिए, जो मतलब इसमें भी इसने लॉस बताया, ना कि प्रॉफिट बताया। मतलब पिछले ईयर लॉस था, उसमें उसका लॉस कम हुआ, इसीलिए ये इधर परसेंटेज में प्रॉफिट बता रहा है। लेकिन एंड ऑफ द ईयर देखिए तो आप ये लॉस में ही है, समझ गए। तो मतलब लॉस में फिर भी इधर पॉजिटिव बता रहा है, मतलब क्या हुआ कि पिछला ईयर का लॉस था, उससे इस ईयर लॉस कम हुआ इसीलिए। बाद में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, जिसमें 3.32% की एक अपसाइड हमें देखने को मिली है। तो ईयर टू ईयर रिजल्ट भी मेरे को कुछ अच्छे नहीं लग रहे। चलिए अब देखते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है। अब हम आ चुके हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। आप देख लीजिए, प्रमोटर के पास 55% की होल्डिंग रखी हुई है। FIS, एक भी FIS ऐसा नहीं है कि जिसने इसमें इन्वेस्ट किया हो। म्यूचुअल फंड, एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसने इसने इसमें इन्वेस्ट किया। जो मेन थिंग है कि प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, जो 97.57% की होल्डिंग इसने क्या है कि गिरवी रखी हुई है, जो कि एक मेरे को बहुत बुरी बात लगती है इसके लिए। तो मैं क्या कि जो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग के देखूँ तो मतलब 55% प्रमोटर होल्डिंग है, उसमें से ऑलमोस्ट क्या है कि 53 मान लेते हैं, चलो 53 भी नहीं, 54 के समथिंग होता है। तो 54% तो इसने गिरवी रखी हुई है। तो मेरे को ये भी अच्छी नहीं लग रही, इसके पहले तो रिजल्ट अच्छे नहीं है, बाद में इसकी क्या है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सी ये कंपनी है, किस वैल्यू पे हमें मिल रही है वो सब। तो ये कंपनी है वो है वालचंद नागर इंडस्ट्री। मतलब देखो ये न्यूज ही है, मतलब देखो 77.20 करोड़ का ऑर्डर मिला है किससे, इसरो से। मतलब ये न्यूज थी, बाद में क्या है कि थोड़ा ये अपसाइड भी, मतलब थोड़ा ज्यादा अपसाइड इसने मूवमेंट भी दे दिया। तो चलिए जानते हैं, मतलब टेक्निकल पे भी देखेंगे बाद में। तो देख लीजिए इसको ऑर्डर कितना मिला है, 77.20 करोड़ का। बाद में इसको किसके लिए ऑर्डर मिला है, जो GSLV मतलब लॉन्च व्हीकल होता है, इसके लिए इसको ऑर्डर मिला है। मतलब किससे, इसरो से, मतलब इसरो से इसको ऑर्डर मिला है, ये न्यूज़ थी। तो बाद में ये न्यूज़ के, आई थिंक ऐसा मेरे को लग रहा है कि वो ये न्यूज़ के बेस पे ये क्या है कि थोड़ा, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही मूवमेंट दे दिया। तो चलिए थोड़ा ग्राफ पे देख लेते तो आपको पता चले। अब हम आ चुके हैं इस कंपनी के ग्राफ के ऊपर। तो आप देखिए इधर से इसने क्या है कि रन अप लेना स्टार्ट किया था, कहाँ से, 52 के समथिंग मतलब था, कि इधर से इसने रन अप लिया था। बाद में ये ऊपर गया, ऊपर गया, इस दिन देखिए आप मतलब कितना ज़्यादा मतलब मूवमेंट था। बाद में इस मतलब लास्ट जो फ्राइडे था उस दिन देखिए, मतलब ऊपर गया, बाद में नीचे आएगा। तो इसने जो हाई था वो हाई 81.30 रुपीज़ का बनाया था, बाद में अभी क्लोज हुआ है 76.45 रुपीज़ पे। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल के लिए इस कंपनी से आप दूर ही रहिए। क्यों, पहले तो इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है, बाद में जो मेन थिंग मेरे को लग रही है कि प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, किसी भी कंपनी की अगर प्लेज प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा ही है तो मैं इस कंपनी को इग्नोर करता हूँ। नो डाउट कि ये कंपनी क्या है कि आगे जो समय बीत चुका है उसमें क्या है कि थोड़ा हाई बना चुका है। मतलब आगे 2018 के स्टार्टिंग में ये 250 के ऊपर था, बाद में ये नीचे आया, नीचे आया, मतलब अभी इसने लो बना के ऊपर जाने की कोशिश, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाल फिलहाल मेरे को इसके ऐसे फंडामेंटल देखने से ऐसा लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल हमें इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके पहले तो रिजल्ट अच्छे नहीं है, बाद में इसके प्रमोटर होल्डिंग की कोई दिक्कत है। सो इसलिए मैं, जो मेरा सजेशन है वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाल फिलहाल भले इसमें न्यूज़ हो, लेकिन हमें कुछ कूदने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो अच्छी वाली कंपनी है जिसमें न्यूज़ नहीं है वो कंपनी लेंगे। सो आपको क्या है कि एटलीस्ट प्रॉफिट ना हो तो कुछ नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो,
एक कंपनी ऐसी होते हैं मतलब 2 दिन ऊपर चढ़ गई तो बाद में नीचे ट्रेडर लोग इसको नीचे ही लगा। न्यूज बेस्ड जो कंपनी होती है जिसमें फंडामेंटल अच्छे नहीं होते वो न्यूज के कारण ऊपर जाती है, उसको थोड़े टाइम के बाद नीचे आना ही है। तो इसलिए मैं क्या हाल फिलहाल इस कंपनी में एंटर होने की सलाह मैं आपको नहीं दे सकता। और दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें क्या कि एक हौसला मिलेगा, मतलब मोटिवेशन वाली फीलिंग आएगी और हम ऐसे वीडियो आगे और लेते आएंगे। सो प्लीज़ यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा गुड बाय, जय हिंद।